इतिहास गवाह है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। जब भी प्रभु श्री राम या उनके मंदिर निर्माण की बात आई है, कांग्रेस ने विघ्न डालने का काम किया है, साथ ही उनके अस्तित्व पर हमेशा सवाल खड़े किए। अगर आप पुनः जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गया, कहते बात तो सही है, बाहर किसी को मत बताओ। 2008 में कांग्रेस सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें राम सेतु को काल्पनिक बताया गया था। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम सेतु को तोड़कर वहां अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा था कि भगवान श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे, यह केवल कोरी कल्पना है। कांग्रेस के तत्कालीन नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर की सुनवाई को टालने की मांग करते रहे। दिग्विजय सिंह भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। पहले विवादित जमीन पर मंदिर बनने पर सवाल उठाया, फिर मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा था कि जय श्री राम बोलने वाले राक्षस हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, कौन जाने राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे, कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था। राम का इतना अपमान करने वाले कांग्रेसी आज चुनाव नजदीक आते ही राम भक्त होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस की असलियत जान चुकी है और कभी इनके झांसे में नहीं आने वाली।